हेलो दोस्तों, वेलकम टू ये चैनल। दोस्तों, नाउ जंक्शन में आपका स्वागत है। नाउ जंक्शन को 1867 में ओपन किया गया था। ये इंडियन रेलवे को ओन करता है। यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म में 7 ट्रैक हैं। पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे की गई है और लखनऊ डिवीज़न के अंदर अंतर्गत ये आता है। तो बाकी के लिए आप लोकेशन देख सकते हैं इसका, और इसको ऑपरेट करता है नदन रेलवे। उसके बाद दोस्तों, ये इसकी जो एरिया टोटल है यहाँ उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की, वो 4,479 किलोमीटर है। अगर हम डेंसिटी की बात करें तो 700 किलोमीटर स्क्वायर है, और यहाँ की लिटरेसी रेट 68.29% है। दोस्तों, अगर हम उन्नाव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यह फेमस है लैंड ऑफ पेन एंड स्वॉर्ड्स, कलम और तलवार की धरती के नाम से। दोस्तों, रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रहते हैं। हिंदू की पॉपुलेशन जो 87% है, मुस्लिम पॉपुलेशन 11.69% है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट जैसे कि मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे 5 तहसील है, उन्नाव, हसनगंज, सफीपुर, पुरवा एंड बीघापुर। उसके बाद यहाँ पे 16 सब डिवीज़न हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे 2013 में गोल्ड ट्रेजरी इंसिडेंट हुआ था इन दौंदिया खेरा विलेज इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। तो दोस्तों, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में खास बात है, यहाँ पे जो गंगा रिवर है वो उन्नाव को अलग करता है कानपुर से। तो यानी कि कानपुर और उन्नाव के जो बीच की सेपरेट लाइन है, दैट इज गंगा रिवर। तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट को उन्नाव डिस्ट्रिक्ट को अलग करती है गंगा रिवर। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें, 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत नेम्ड द उन्नाव वन ऑफ द कंट्रीज 25th मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 640। यह उत्तर प्रदेश का 34वां डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो है 10+2+3। यहाँ पे काफ़ी स्कूल्स और कॉलेज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बेनहुर इंटर कॉलेज उन्नाव में, ब्रिलियंट एकेडमी इंटर कॉलेज उन्नाव, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल, सेंट लॉरेंस स्कूल। बाकी के लिए सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, पूर्ण नगर उन्नाव। तो ये सब यहाँ के फेमस कुछ स्कूल और कॉलेजेस हैं। बाकी के लिए अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदी बोला जाता है, उसके बाद उर्दू है, उसके बाद अवधी, उसके बाद अदर लैंग्वेज। अगर नोटेबल पर्सनालिटी की बात करें तो यहाँ पे 2 पर्सन है, एक गय प्रसाद शुक्ला, एक उमा शंकर चौधरी हैं। गय प्रसाद शुक्ला जी की जो कि जन्म हुआ था 1873 में और 1972 में इनका डेथ हो गया था। तो ये हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युगीन साहित्यकार हैं। इनके कुछ फेमस वर्क हैं जैसे त्रिशूल, तरंगी, अलमस्त, स्नेही। तो दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको उन्नाव जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और आप यहाँ का लुत्फ़ उठाइए उन्नाव जंक्शन का। जैसे कि दोस्तों, हम लोग बता चुके हैं जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट को जन्म देता है लैंड ऑफ पेन एंड स्वॉर्ड, कलम और तलवार की धरती। तो चलते हैं अब प्लेटफॉर्म की तरफ। तो बाकी के लिए हमारे वीडियो में बने रहें। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1। तो इस समय रात के, यानी हम इवनिंग बोल सकते हैं, तो 9:47 PM हो रहे हैं, और जो कि फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन इस समय उन्नाव जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुकी है और यहाँ से डिपार्चर कर रही है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो ट्रेन है उसके आने का टाइम है 8:42, और यहाँ से डिपार्चर करने का टाइम है जो है 8:44 PM। आधे घंटे 45 मिनट की देरी से चल रही है, जो कि फरक्का एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 03483 है, जो मालदा टाउन से चल कर दिल्ली तक ओल्ड दिल्ली तक जाती है। दोस्तों, जैसे कि हम बता चुके हैं, इस सिटी फेमस है लेदर, जरी, जरदोरी वर्क, मॉस्किटो एंड केमिकल इंडस्ट्री। ऑल्सो सिटी फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी फेमस चीज़ें हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ आप बने रहें दोस्तों। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें, और अपने दोस्तों से भी इसको सब्सक्राइब करवाएँ। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और वीडियो आपके लिए इसी प्रकार के लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।